नमस्कार, आईवीस टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो आप सामने देख रहे हो ये हमारा डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग मतलब मैं समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि आप इसके थ्रू टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेसिक लैंग्वेज में कुछ लोग इसे पीए सिस्टम भी बोलते हैं, डीबीएस, काफी तरीके से नाम है, टू वे कम्युनिकेशन। ओके, तो अब देखिए, हम जो अभी आप सामने देख रहे हो ये अपना इस जो हम प्रॉपरली इसका नाम देते हैं वो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, इसका प्रॉपरली हम नाम देते हैं। ओके, अब इसके में जो क्या क्या कंपोनेंट अपन यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इसे यूज कर सकते हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे वन बाय वन करके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अभी जो आपको सामने दिख रहा है कि ये होती है इसकी मेन यूनिट, ठीक है। ये होते हैं अपने से स्पीकर बोल सकते हैं, ये आपका माइक हो गया। ओके, अब देखिए जो डीबीएस होता है उसका मैं आपको वर्क वर्क समझा देता हूँ, उसका वर्क क्या होता है। तो इसका जो वर्क होता है वो वर्क ये होता है कि आप यहाँ बैठे बैठे, मान लीजिए आपने ये जो इसे अपन बोलते हैं मास्टर यूनिट, आपकी जो ये मास्टर यूनिट है, आपने इसे मान लीजिए आप जैसे आप इसे स्कूल में यूज कर रहे हैं, तो आपने प्रिंसिपल सर के रूम में, डायरेक्टर सर के रूम में आपने इसे रख लिया। ओके, और सभी क्लास में क्या होगा, ऐसे स्पीकर कनेक्ट हो जाएंगे जिसे अपन बोलते हैं स्लेव, आपके सभी स्पीकर कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आप किसी भी क्लास में पर्टिकुलर अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आपको एक साथ सभी में करना है आप सभी में कर सकते हैं, एक साथ किसी सिंगल क्लास में करना है तो आप एक सिंगल क्लास में भी कर सकते हो, आप तीन क्लास में चार अपने को नहीं, आप किसी भी क्लासरूम में से कर सकते हैं। ओके, तो इस माइक के थ्रू आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और साथ में क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब वहां से जो बच्चा, जो आप मान लीजिए आप किसी बच्चे को बोल रहे हो कि आपके पेरेंट्स आइए, आप नीचे आइए, या फिर आप बोल रहे हो कि आपकी जो बुक वगैरह जो सबमिट कर दीजिए, तो अगर बच्चा भी कोई आंसर करता है, कुछ आपको कोई कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ आपको आंसर करता है, तो जो बच्चा बोलेगा तो वो इसमें देखिए आपको माइक भी, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, माइक के थ्रू आप जो बच्चा स्टूडेंट बोलेगा वो भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे सुनाई दे जाएगा। ओके, मतलब आपको यहाँ पे स्पीकर है, जो बच्चा जो क्लास में लग रहा है वो बच्चा बोलता है तो आपको यहाँ पे इसमें भी स्पीकर है, तो उसके थ्रू आपको सुनाई दे जाता है। तो ये अपना है टू वे कम्युनिकेशन, मतलब आप बोल भी सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं एक जगह बैठे बैठे। ओके, तो ये काफी अच्छा है। अब देखिए इसमें क्या क्या मॉडल्स आते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है, तो वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में समझा देता हूँ। तो अब देखिए इसमें जो आप देख रहे हो ये डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, इसमें अपने पास दो मॉडल अवेलेबल है। ओके, एक तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। ओके, इसमें आपको लिखा हुआ है मॉडल नंबर BS101। ओके, तो 101 और एक आता है आपका BS51, एक तो आता है BS51, एक आता है BS101। तो बी इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंट ये है, जो आपका BS51 है वो आपका जो मैंने अभी आपको समझाया टू वे कम्युनिकेशन, आपका दोनों साइड वर्किंग कर सकते हो, तो जो अभी मैंने आपको समझाया वो प्रॉपर आपका सब उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन, आपको बोलना है, आपको सुनना है, आपको सब में अनाउंसमेंट करनी, तो ये सब आप उसमें कर सकते हैं। और जो आपका ये BS101 है ये एडवांस मॉडल है। इसमें क्या एडवांस है, इसमें एडवांस ये है कि इसमें आपका जो पीरियड बेस्ड सिस्टम होता है वो भी आपका इनबिल्ड है। पीरियड बेस्ड सिस्टम मतलब जैसे हमने पहले हमारे यूट्यूब चैनल जो वीडियो है, हमारे जो आईबीएस का यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैंने सभी जो पीरियड सिस्टम उनको समझा के रखा है। तो जो एक होता है आपका UB501, जिसमें क्या है आपका ऑटोमेटिक बेल बज जाती है, जैसे टाइम होता है आप अपने जैसे कोई साउंड डाल भी सकते हो, उसमें आप उसमें मेमोरी कार्ड होता है तो अलग अलग आप साउंड फीड भी कर सकते हो, पहले से उसमें साउंड होते भी हैं। तो जैसे आपका टाइम होगा, इसके अंदर आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा, तो जैसे आपका टाइम होगा तो अपने आप आपकी जो पीरियड्स वगैरह होंगे, जो बेल्स वगैरह होंगे, अपने आप आपकी बच जाएगी। तो ये भी इसमें इनबिल्ड होता है। BS51 तो आपका सिर्फ क्या नाम है, टू वे कम्युनिकेशन नाम आता है, तो BS101 टू वे कम्युनिकेशन विद बेल सिस्टम। ओके, तो ये आपको इसमें एडवांस मिलता है BS101 में। आप देखिए अब ये कैसे काम करता है, उसमें कैसे आपको आप इसमें क्या क्या यूज दे सकते हो वो मैं आपको समझ देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो आप सामने देख रहे हो इसे अपन बोलते हैं मास्टर यूनिट। मास्टर यूनिट क्या होती है, जैसे अपन एक स्कूल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि आपको स्कूल में इसे यूज, आप इसे होटल में भी यूज कर सकते हो, आप इसे हॉस्टल में यूज कर सकते हो, जहां भी आपका मास कम्युनिकेशन है आप इसे वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इसे यहाँ पे एक स्कूल में यूज कर रहे हो, तो स्कूल में जैसे आपने डायरेक्टर सर के रूम में रख लिया, प्रिंसिपल सर के रूम में रख लिया, आपने ये आपकी मेन यूनिट आपने यहाँ पे रख ली। ओके, इसके अलावा जो आपका सेकंड कंपोनेंट है कंपलसरी है वो आपका यहाँ पे होगा, देखिए आपको यहाँ पे एक स्पीकर दिख रहा होगा। ओके, वैसे ये स्पीकर है, वैसे इसको जो लोकल इसकी जो लैंग्वेज में से बोला जाता है वो बोला जाता है स्लेव, SLAV, स्लेव। देखिए स्लेव स्लेव इसमें क्या काम करता है, स्लेव एज ए आपका स्पीकर, जैसे मान लीजिए आपकी 10 क्लासेज, आपकी 20 क्लासेज, आपने क्या किया सभी क्लास में इसे कनेक्ट कर दिया, आपकी 4 क्लास है, 5 क्लास है, आपने वन बाय हर क्लास में इसे लगा दिया, तो
आप देखिए इसमें स्पीकर भी है, इसमें जो स्पीकर होता है वो 6 वोल्ट का स्पीकर होता है, तो काफी अच्छी आवाज आपको प्रोवाइड करता है। और आपको इसमें माइक भी होता है, आपको लग रहा होगा ये माइक छोटा सा माइक है क्या आवाज आपको कैप्चर कर पाएगा, पर इस माइक की जो कैपेसिटी वो काफी अच्छी कैपेसिटी है। जो आपका मान लीजिए आपका एक 30 बाय 30 का रूम है, तो उसमें भी जो बच्चा कॉर्नर में खड़ा होकर बोल रहा है वो भी ये माइक कैप्चर कर लेगा कि वो बच्चा क्या बोल रहा है। ओके, तो काफी अच्छी इसकी वॉल्यूम, माइक का वॉल्यूम है। साथ में देखिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप इसमें मान लीजिए जो आप टीचर जो बोले तो कितना तेज सुनना चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप इसे मैनुअली आप इसे सेट भी कर सकते हैं कि आपको वॉल्यूम कम रखना है ज्यादा रखना है। ओके, इसके अलावा देखिए एक मैंने यहाँ पे माइक भी कनेक्ट कर रखा है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे जैसे आपको जो अनाउंसमेंट जो आप बोलेंगे तो उसके लिए आपको माइक लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो ऐसा वाला माइक भी यूज कर सकते हो, ऐसा वाला लुकिंग में थोड़ा अच्छा लगता है। आप चाहो तो जो हैंडेड माइक आते हैं, जो अपन जो पकड़ के हैंड में लेके यूज करते हैं, आप वो माइक भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इससे रिसीवर कनेक्ट करके वायरलेस, तो आप पे डिपेंड है माइक आप कौन सा करते हो, पर कि जो ये है थोड़ा लुकिंग माइक अच्छा लगता है तो हम ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए अब ये कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए एक स्पीकर तो मैंने ये लगा रखा है, और एक और स्पीकर मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा साइड में मैंने यहाँ पे इसको एक साइड में दीवार साइड में मैंने रख रखा है, तो वो दूसरा स्पीकर मैंने वहां पे कनेक्ट कर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए मैं फिर से मेरी मशीन पे आ जाता हूँ। सभी स्लेव जो होते हैं, सभी स्पीकर जो होते हैं जिसे अपन स्लेव बोलते हैं, इनका सर एक फिक्स नंबर होता है, इनका एक फिक्स नंबर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 मिनट, इसके यहाँ पे जो नंबर इस साइड यहाँ पे नंबर लिखा हुआ 0 0 5, ठीक है। तो ये एक स्पीकर का नाम नंबर हो गया 0 5। इसी तरह जो वहाँ एक और जो आपको मैंने स्पीकर दिखाया था उसका नंबर है 0 4। सभी स्पीकर का एक फिक्स नंबर होता है, जैसे 0 1 0 2 0 3 0 5 0 6 0 7, इस तरह सीरियल वाइज आप इसके नंबर होते हैं। ओके, तो मान लीजिए जैसे आपने 10 क्लासरूम है, तो आपने 10 क्लासरूम में स्पीकर लगाया 0 1 0 2 0 3 0 5 0, ऐसी तरह आपने 1 बाय 1 करके आपने सभी स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब आपको जो भी अनाउंसमेंट करनी है, मान लीजिए आपको स्पीकर नंबर 03 जो है आपका, जो मान लीजिए 5th क्लास में लगा हुआ है, आपको उसमें कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तो देखिए मैं आपको एक बार मशीन दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए मेरी मशीन है, आपको दिख रही होगी प्रॉपरली। अब देखिए आपको मैं आपको सारे बटन दिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे जिस 5th क्लास में आपका 0 0 0 4 स्पीकर लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लिखना है 0 और यहाँ लिखना है 4। ओके, लिख के आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे करना है एंटर लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया, तो देखिए अब क्या होगा, वहां पे जो भी स्टूडेंट बोलेगा वो आप प्रॉपरली सुन पाओगे, ठीक है। जैसे मैं ट्राई करता हूँ सुनने की एक बार, जो मेरा संकेत, अगर आप वहां पे जाके कुछ बोलिए तो मैं आपको मेरा माइक है वो पास लेता हूँ। हेलो 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 देखिए जो भी वो स्टूडेंट वहां पे कुछ बोल रहा है तो वो प्रॉपरली सुन पा रहे हैं कि स्टूडेंट जो बोल रहा है वो क्या, कम्युनिकेशन वहां पे आ रहा है। अब मान लीजिए आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है, आपको यहाँ से कुछ बोलना है। अब देखिए इसमें आपको एक और ऑप्शन दिया गया है कि टॉक की टू पीपीटी, मतलब कुछ आपको पीटीटी, मतलब कुछ आपको छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, तो आप टॉक की दबा के, अगर देखिए मैं माइक के थ्रू यहाँ पे माइक पे मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी स्क्रीन पे, अगर मैं ये टॉक की दबा के अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलता हूँ तो वहां पे जो मेरा स्पीकर है वहां पे आपको क्लियरली वो सुनाई देगा, ठीक है। अगर इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है 0 2 हैंड फ्री, अगर आप 0 दबा देंगे तो क्या होगा, आप लंबी अनाउंसमेंट करनी है, मान लीजिए आपको कुछ बच्चों को कुछ समझाना है, लंबी अनाउंसमेंट करनी है, तब आपको इसको एक टॉक को दबा के रखना पड़ेगा, आप कंटिन्यू लंबी अनाउंसमेंट इसमें कर सकते हैं, तो ये भी एक इसका काफी अच्छा फीचर है। ओके, इसके अलावा आप देखिए इसमें और भी काफी सारे फंक्शन है, ये तो हो गया सिंगल अनाउंसमेंट आपको करनी हो, मान लीजिए आपको इसी तरह सभी स्पीकर्स में जितने भी आपके, मान लीजिए आपके 20 स्पीकर लगे हुए हैं, आपके 30 या 40 जितने भी आपके स्पीकर लगे हुए हैं, आपको सभी में एक बार में अनाउंसमेंट करनी है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑल का ऑप्शन, ऑल का बटन मिलता है, अगर आप यहाँ पे ऑल दबा देंगे तो जितने, एक बार मैं इसके एस्केप कर देता हूँ, जैसे आप इसमें ऑल दबा देंगे तो ऑल दबाते देखिए आप एक, आप सभी स्पीकर में जितने भी आपके लगे हुए हैं आप डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उसके लिए वही आप 0 दबाएंगे तो आप 0, क्या नाम, टॉक दबाएंगे तो आप कंटिन्यू अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको छोटा सा अनाउंसमेंट करना हो और आपको लंबी अनाउंसमेंट करनी तो आप 0 दबा के छोड़ दीजिए, तो आप कंटिन्यू कितनी भी देर अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं जब तक आप इसमें एस्केप का बटन नहीं दबाएंगे। ओके, इसके अलावा देखिए आप देखिए इसमें आपको और दिखाता हूँ, जैसे आपको इसमें G1 G2 एक ये लिखा हुआ, इससे पहले मान लीजिए जैसे आपके 4 स्पीकर है, आपको सभी में नहीं करना, आपको मान लीजिए सिर्फ 4 स्पीकर, जैसे मान लीजिए आपकी 10th और 12th क्लास है, तो 10th क्लास में मान लीजिए आपका लगा हुआ है 0 3 और 12th क्लास में लगा हुआ है आपका 0 5। इसी तरह आपके और आपके दो दो सेक्शन है, तो जैसे मान लीजिए आपका 10th के 2 सेक्शन है, एक में लगा हुआ है 0 5, सॉरी मैं इसको
एक में लगा हुआ 04, एक में लगा हुआ 05, एक में लगा हुआ 07, एक में लगा हुआ 08। ओके सॉरी, एक मैंने गलती से गलत प्रेस कर दिया। एक में लगा हुआ 04, एक में लगा हुआ 05, एक में लगा हुआ 07, एक में लगा हुआ 08। ओके अब आप क्या करना है, यहाँ पे एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, टू मेनी रूम। तो आप उन सभी रूम में एक साथ आप अनाउंसमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी 10 रूम करके आप यहाँ पे अनाउंसमेंट एक तरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक काफी अच्छा इसमें फंक्शन मिल रहा है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक और फंक्शन दिखा देता हूँ, उसमें आपका लिखा हुआ है, क्या नाम है आपका, देखिए G1, G2, G3, G4, ये आपके ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। अब एक बार ग्रुप से देखिए, ग्रुप से आप क्या समझेंगे, मान लीजिए आप जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, आपको 10th और 12th में था तो आपको बार बार में दबाना पड़ रहा था 04, 05, 0, ठीक है। तो इसी तरह देखिए आप इसमें ग्रुप मिला के रख सकते हैं, जैसे आपने G1 में 10th और 12th को आपके जितने भी ग्रुप थे आपने बना के रख लिए, ओके। इसमें एक बार में आप 10 ग्रुप मतलब 10 क्लास ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपने आपकी 10 स्लेव ऐड कर सकते हैं, समझ जाइए 10 स्पीकर एक बार में ऐड कर सकते हैं। तो आपने ग्रुप 1 में आपने 10th, 12th, 8th, मान लीजिए जो बोर्ड के एग्जाम है वो आपने आपको उनमें को अनाउंसमेंट करने की आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। तो आपने G1 पे क्लिक किया तो सिर्फ जो आपने जो ग्रुप 1 में जो ऐड कर रखे थे स्पीकर वो आपके उनमें अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मान लीजिए G2 में आपने जो आपकी प्राइमरी जो आपके बच्चे जो LKG UKG जो क्लास है उनको आपको बोलना कि आज आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी बच्चों, तो उसके लिए आप G2 मतलब कोई भी मतलब ग्रुप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको ग्राउंड के लिए सिर्फ अगर ग्राउंड में 4 स्पीकर लगे आप ग्राउंड में अनाउंसमेंट करनी तो आप उसके लिए G3 मतलब इस तरह ग्रुप वगैरह आप इसमें बना सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है, ओके। इसी के अलावा अब देखिए इसमें आपको और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पीछे की तरफ, इसके आपको मैं दिखाता हूँ पीछे की तरफ, आपको मैं आपको भी दिखा सकता हूँ मशीन। देखिए इसके पीछे की तरफ आपको एक ऑडियो विंक का मतलब आप इससे अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो। अब देखिए मोबाइल कनेक्ट करने से क्या बेनिफिट होगा, अगर आप इसे मोबाइल कनेक्ट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपके मोबाइल में कोई सॉन्ग है, तो मान लीजिए आपको आज 26 जनवरी आपको राष्ट्रगान बजाना है, कुछ भी ऐसा बजाना है, तो आपने अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट किया, ओके। 3.6 इसमें ऑक्स केबल है, पीछे ऑक्स केबल थ्रू आपने इसे कनेक्ट किया। अब जैसे आप मोबाइल में कोई सॉन्ग प्ले करेंगे, जैसे आप मोबाइल में कोई सॉन्ग प्ले करेंगे तो देखिए इसमें लिखा हुआ एक ऑप्शन है ऑडियो इन, यहाँ पे ऑडियो इन का ऑप्शन मिला है। जैसे आप ऑडियो इन पे क्लिक करते हो तो आपके जितने भी स्पीकर हैं सभी में जो आप सॉन्ग अपने मोबाइल से जो सॉन्ग प्ले बजा रहे हो वो सभी स्पीकर में वो सॉन्ग चल जाएगा। तो ये इसका एक काफी अच्छा बेनिफिट है, ओके। अब देखिए इसी के अलावा आपका मैं आता हूँ कनेक्टिविटी में, ये कैसे औरों से सिंपल है कैसे औरों से अलग है। एक तो देखिए सिंपल और काफी सिंपल हो गया कि आपको सिर्फ नॉर्मली प्रेस दबाना और आप कोई भी क्लास में अनाउंसमेंट, इसे यूज करना काफी ईजी है, ओके। अब आता हूँ कनेक्टिविटी के बाद। अब देखिए अब आप स्कूल में से लगाएंगे तो मेन चीज आती है कनेक्टिविटी, आप कनेक्शन कैसे करेंगे, क्या बेटर रहेगा इसमें, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे अभी आप कैमरा देखते हो आपके स्कूल में कैमरा कैमरास वगैरह रखते हैं, तो कैमरास में क्या होता है पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि 20 कैमरा लग रहे हैं तो 20 के 20 कैमरा के वायर आपके मतलब घूम के, जैसे मेन यूनिट होती है कैमरा में जो मेन यूनिट होती है उसके अंदर 20 के 20 कनेक्शन यहाँ पे आते हैं, ओके। तो वह काफी बड़ा मतलब एक वायर का गुच्छा बन जाता है, साथ में वो वायर कुछ ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पर इसमें देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपका सीरीज वाइज कनेक्शन होता है। सीरीज वाइज कनेक्शन मतलब कि यहां से, जैसे मैं आपको एक कंपटीशन कर लेता हूँ, यहां से मतलब वायर आके आपका यहां से वायर निकला और आपका इस स्पीकर में गया, ठीक है। एक बार मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ, इसमें देखिए इन आउट, एक है इन एक है आउट, ठीक है। तो क्या हुआ आपका एक यहां से वायर आया, ठीक है, एक यहां से इस मास्टर यूनिट से वायर निकला आपके इसके इन में चला गया, ठीक है। इसके इन से निकला और जो आपका अगला स्पीकर है उसके आउट इन में चला जाएगा, फिर उससे आउट निकलेगा, फिर उसके इन में चला जाएगा, फिर उससे आउट निकलेगा, फिर उसके इन में चला जाएगा। इसी तरह आपका एक लूप मतलब एक स्टेट एक सीरीज कनेक्शन हो जाएगा लूप बाय लूप करके। तो इसी तरह आपका वायर भी कम कंज्यूम होगा और आपका मतलब वायर भी आपका जगह गुच्छा भी नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको 20 कम लगाएगा तो आपका 20 का 20 गुच्छा भी नहीं बनेगा, ओके। तो ये तो होगी वायर कनेक्टिविटी की बात। अब देखिए इसमें वायर कौन कौन से यूज होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक तो आपका देखिए 3 कोर वायर, देखिए 3 कोर आपको दिख रहा होगा अभी वीडियो में इमेज, ये होती है 3 कोर शील्डेड केबल। तो एक तो आपकी 3 कोर शील्डेड होगी, इसमें एक आपका ऑडियो का, एक आपका डाटा का, एक आपका ग्राउंड का काम आएगा, और इसके अलावा एक आपकी 2 कोर वायर यूज होगी, ठीक है। 2 कोर नॉर्मली आपको जो पावर सप्लाई आप यूज करते हैं ना घर में, तो वो वाले केबल भी यूज कर सकते हो। इसमें बस आपको एक 3 कोर वायर है
ये भी आपको इसमें यूज करनी पड़ेगी। दो तो इसमें केबल यूज होगी, और ऐसा नहीं कि गुच्छा बनेगा तो वन सीरीज वाइज कनेक्शन हो जाएगा, वन बाय वन आपके सभी स्पीकर इसमें एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अलावा देखिए, तो बेसिक बेसिक तो मैंने आपको इस वीडियो में इसके बारे में बता दिया है। ओके तो अब देखिए, अब इसके अलावा इसमें जो बेल सिस्टम है, जो 101 आता है, 51 में तो आप बता देते आपको इसमें क्या नाम है, बेल नहीं मिलती है। जो 101 वाला मॉडल आता है BS101, उसमें आपको बेल भी नहीं मिलती है। तो बेल इनबिल्ट मिलने से क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो भी टाइम होगा, मान लीजिए आपका फर्स्ट पीरियड होगा, सेकंड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड होगा, तो अपने आप वैसे इसमें आपको जो बेल है, इसमें आपको 53 साउंड पहले से इनबिल्ट है, मतलब 53 साउंड इसमें डाले गए हैं। तो जो भी आपका बेल होगा उसके अकॉर्डिंग आप वो बेल बजा सकते हैं। ओके मतलब आप बजा सकते हैं, मतलब अपने आप वो बेल बज जाएगी। तो ये भी सब काफी अच्छा है कि आपका, मतलब आप बोल सकते हो एक पर्सन का जो काम होता है, जो मतलब हमारी जो भाई जी होती है, वो बार बार में जाती है, वो घंटी बजाती है, मान लीजिए वो कुछ काम करे तो 10 मिनट लेट हो गई तो 10 मिनट लेट आपका पीरियड बज रहा है। तो इसी तरह वो जो वो भाई जी वो आपका और भी काम कर पाएगा, जो आपका स्टाफ पर्सन है वो और भी काम कर पाएगा। तो आपको ये 20101 से आपको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब देखिए एक लास्ट बात मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा जो मॉडल है, ये अभी 10 रूम वाला मॉडल है। 10 रूम वाला मॉडल मतलब क्या होगा, इससे आप 10 ऐसे स्लेव जो होते हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके अब मैंने ये क्यों बताया आपको बात, कि ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको रेडी किया जाता है। जो हम रेडी करते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे रेडी करते हैं। ओके जैसे अगर आपकी स्कूल छोटी है, आपके 10 रूम ही है, तो आप 10 रूम के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हो। ओके तो ये जो मास्टर रूम है वो 10 रूम के अकॉर्डिंग जिसकी जो भी प्राइस होगी वो आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मान लीजिए आपके 20 रूम है, तो दिखने में तो ये सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा, जो इसके अंदर जो पीसी वगैरह उनको चेंज कर दिया जाएगा, तो वो आपका 20 रूम का मास्टर रूम बना दिया, 20 रूम का आपका मास्टर यूनिट बना दिया जाएगा। तो फिर आप उसमें आराम से 20 तक स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। ओके जैसे मान लीजिए अभी आपने सिर्फ 15 स्पीकर लिए हैं, ओके अभी आपके 15 क्लास है, पर मान लीजिए आप भविष्य में उसे बढ़ाना है, ओके तो आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में बढ़ाऊँ, तो आप 20 रूम का मास्टर यूनिट ले लीजिए और 15 स्पीकर ले लीजिए, और 5 आप बाद में ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आप इसे ऐसा भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके 10 का आता है, 20 का आता है, 20 रूम का स्लेब आता है, 30 रूम का आता है, 40 का आता है, 60 का आता है, 80 का आता है, 99 का आता है। तो इसी तरह आप इसमें अलग अलग ये ले सकते हो। ओके तो दिखने में सब कुछ सेम रहेगा, बस जो उसकी कैपेसिटी है स्पीकर कनेक्ट करने की वो आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये देखिए ये मेरा बेसिक डेमो था, और इसमें मतलब आपको आवाज काफी अच्छी मिलती है, आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि नॉइज आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर आप प्रॉपर कनेक्शन करते हो तो काफी अच्छी आपको क्लियरिटी के साथ में आवाज मिलती है। तो ये काफी बेनिफिट आपका एक डिवाइस है। ओके तो देखिए अगर आपको इस डिवाइस के बारे में कुछ जानना है या फिर पूछना है कि आपको कैसे परचेज होगा, किस रेट में आपको मिलेगा, और आपके पास कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे आपके पास मिलेगा, तो जो और भी कुछ में टेक्निकल भी आपको कुछ पूछना है, तो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके आपको चाहो तो आप वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें पूछ सकते हो, और ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।